विभिन्न तालीम व अभिमुखीकरण कार्यक्रम में सहभागी स्थानीय तह के मुदा अधिकांश उपमेयर व उप प्रमुख लोकन कार्यक्रम के शीर्षक आ उद्देश्य समेत बुझ नहीं सक रहा देखल गेल। हम सब हुनका सब के पूछने छलौ प्रस्तुत विषय वस्तु में कार्यक्रम से अपने सब की सीखलौ ओ सब देने जवाब से स्पष्ट होते अछि जे ओ सब प्रस्तुत विषय में कतेक स्पष्ट छथि। आ बाल बालिका केना हार सुधार हेतै जकरा करय पड़तै बुद्ध वृद्धा के से सब के अथी करय पड़तै अथी करय पड़तै। हम बलवा से बाजि रहल छी। हमर एकटा ग्राम पालिका के एहन मोतरी जिला के एकटा ग्राम पालिका के उपाध्यक्ष रतौली युवा क्लब के एहन रतौली युवा क्लब के बाल बालिका के समर में आयल रहलिए तऽ हमरा बहुत बढ़िया लगलक से ना वेदनाथ चौधरी सर बोलैले रहलक तऽ बहुत कुछ है ना सीखली बहुत कुछ समझ लिया। अब की करबे अपना वार्ड में नगर में की करबे नगर में वार्ड सदस्य सब सबके बैठा करके ई कब से है ना वहाँ पर बाल बालिका के बारे में सिखायल छी तऽ बाहर से जानकारी ला करके जितने सुविधा। यद्यपि राजनीति में आबे से पूर्व शिक्षक सेवामूलक अन्य कोनो अनुभवी पेशा व राजनीति में समेत नीक सा अनुभव बटोरने विभिन्न महिला उपमेयर व उप प्रमुख लोकन प्रस्तुत विषय वस्तु आ ओ में हुनका सबके बहन करे वाला दायित्व के विषय में बुझल देखल गेल। आज हम यहाँ कहना चाहे छी साथी सब के अपने सब जे तालीम ले लिए वो अहा सब अपने त ले ली ले ली लेकिन जे अपना सब के वार्ड सदस्य सब जे जीत के गेल छथिन हुनका सब अपने सब के वार्ड में बैसा कर उ तालीम के रूप में अपने सब समझा कर किछ बात हुनका सब के राखल जेतै कि वार्ड वार्ड से अहाँ के आवे वाला चाहिए। बजट तर्जुमा बनाबे के लिए वार्ड से पूछे पड़त वही के समस्या के लिए वही गांव में बाल बालिका के की समस्या चाहिए वही ठाम केहन योजना देला से हमरा सब के नीक हैत की केला से नीक हैत तै लग वार्ड के जे हमरा सब के महिला साथी सब छत तिनका सब के अहाँ सब बजा कर और उनका सब से पूछ कर अपने सब हम सब जब जब अहाँ नगर सभा करब तो अपने सब बात राखब। जे हमर तो ओना नगर पालिका के नगर सभा भ गेल छे लेकिन तैयो जे कनिक मनिक बुझाल जे हम ओतेक जना नहीं बुझने रहिए तो माइनेटिंग क्लोज नहीं भेल छे तो हमरा बड़ खुशी लागल जे हम ओके थप क के आ तकर बाद योजना ल जाय जेना ई हमरा सब के अभिमुखी कार्यक्रम में महिला आ बाल बालिका बेसी पीड़ित रहै छथिन आ विपत्ति के बेर में हिनके सबके बेसी पीड़ित मानल जाय छन अपांग वृद्ध से हमरा सबके तालीम तो बड भेल छला लेकिन विपत्ति कहकर से नया बैनर देखलिए ऐसे हमरा सबके बहुत अपना आप के सीख के कोशिश केलो दिले था हम सब सीख लेलो से हमरा बुझाइए जना हमरा सबके एकटा काज करे के लेल विटामिन भेटल। कार्यक्रम में विपत्ति के बेर में बाल बच्चा सब सबसे बेसी जोखिम में पड़ित अछि तैं हुनका सबके ओहि जोखिम से बचाव आ संरक्षण कर स्थानीय निकाय आ ओहिमे समेत खास कर उपमेयर लोकन निर्वाह करे वाला भूमिका आ दायित्व के संदर्भ में कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल छल। उपमेयर व उप प्रमुख लोकन महिला रहल आ बाल बच्चा के समस्या आ हुनका सबके मनसाई पुरुष से बेसी महिला सब बुझैत अछि ताहि हेतु महिला उपमेयर आ उप प्रमुख लोकन बाल बच्चा के हक में सान्दर्भिक आ उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम बनाब सकैए ताहि उद्देश्य के साथ कार्यक्रम में हुनका सबके आयोजक सहभागी करौने छलथि। अभी अपने सबके प्रस्तुति सब भरखर जनकपुर महानगर पालिका के उपमेयर जी के मंतव्य आयल छल ताहि से हमरा बुझाइए जे हम सब जे उद्देश्य राखि के कार्यक्रम संचालन कयने छलिए ई सफल भेल छै और निश्चित रूप से आबे वाला समय में बाल बालिका क्षेत्र में विपद के समय में संरक्षण संबंधी निश्चित रूप से हमारा स्थानीय निकाय में एक ठोस नीति बनतै ठोस कार्य दिशा निर्धारण हेतै हमरा बुझाइए। अभी जे रीता दीदी कहे छलखिन हमरा भाई वार्डे सब ई योजना सेहो हेतै और हमरा बुझाइए साधन स्रोत सेहो छुटायल जेतै और काल खन एहन किसिम के कोनो विपद हेतै तै के लेल हमरा भाई काम करे में सहायता होतै ओकरा अपने सब प्रयोग कऽ कऽ अपना सब पालिका स्तर पर समिति गठन कयल जाओ नेपाल सरकार के विद्यमान ओ निर्देशिका के ओ फॉर्मेट के राखि कऽ ई सब क्षेत्र के समेट लै छै एहिमे ओकरा प्रयोग कऽ लेबै तऽ योजना बनबै लए बेसी टाइम नहि लगतै हाँ छलफल करै लए टाइम लागि सकै छै समिति बनबै लए टाइम लागि सकै छै लेकिन ऑलरेडी अखन छै ओ सरकार के फॉर्मेट आसानी के ओ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महिला सब के विभिन्न पद में अनिवार्यता कयल गेल मुदा हुनका सब के दक्षता आ क्षमता अभिवृद्धि में सरकार एखन धरि ध्यान नहीं देने महिले सब के आरोप अछि एकदमे कमजोर
आ अनपढ़ महिला महत्वपूर्ण पद में पहुँचनाय दुखद रहल कतेको के तर्क छ। कतेको गोटे दल सब दक्ष महिला के मात्र उम्मीदवार बनौने रहती तो एहन समस्या नै एति तर्क रखे छथि। यद्यपि समानुपातिक समावेशी सिद्धांत अंगीकार केला पर शुरुआत में एहन जटिलता सब औनाय स्वाभाविक बात रहल कहित निर्वाचित एहन महिला प्रमुख उपप्रमुख लोकन के क्षमता आ दक्षता अभिवृद्धि कर दिस सरकार ध्यान देव आवश्यक रहल बुद्धिजीवी सबक कहब छन्। अपन टीवी ब्यूरो जनकपुर धाम। सरकार आयुर्वेद क्षेत्र के अतेक कात लगा देने है कि एलोपैथिक दवाई के नियमन के लिए सहयोग कर्मचारी के दरबंदी भेल औषधि व्यवस्था विभाग में जम्मा एक गोटे मात्रे आयुर्वेद चिकित्सक है। एक उदाहरण मात्र है। धनुषा जिले में मात्रे एक मुख्यालय आ ग्रामीण भेग में 8 विभिन्न शाखा का कुल 9 औषधालय सब आयुर्वेद के है, मुदा जनता के उ औषधालय सब संगे कोनो मतलबे नहीं देख में अबित है। उ औषधालय सब में खटे वाला कविराज आ कर्मचारी सब के तलब में प्रति महीना लाखों लाख खर्च करे वाला सरकार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ऊपर बीमार सब के विश्वास आ आकर्षण बढ़ावे के लिए कोनो जिज्ञासा नहीं देखा रहा अवस्था है, जैसे इस संपूर्ण लगानी सब बाउल में पानी साबित भ रहल है। सरकार ताना के लिए आप दवाई बीरो नहीं देवे विश्वास हमरा सब के प्रति होते तो अपने आप पेशेंट रहती नहीं आ दवाई देवे जते सेवा ग्राही सब के जे ओकरा कहती हमरा पूरा का पूरा दवाई दिए लागी आ पूरा का पूरा दवाई कत दिए सकते कोनो आप चेमन परास कहे कि चेमन परास हम दे देवे क्यों कहती हम आशा वरिष्ठ वाला दवाई चाहिए तो ओकरा हम कत से दे देवे जे है उपलब्ध रहते कही अनुसार न देवे आप जे रह भरपूर ओकरा से हम दे छी दवाई। ओना तो जनकपुर अंचल आयुर्वेद औषधालय के निमित्त प्रमुख लाल बाबू शाह औषधालय में बीमार सबक लेल 23 किस्म के विभिन्न दवाई सब उपलब्ध रहल आ स्वयं सब उ दवाई सब बीमार सब के सहजे उपलब्ध करा रहल दावी करे छथि, मुदा औषधालय में पहुँचला पर नहीं तो कतौ बीमार सब इलाज कराबे के लेल आयल देख में अबित अछि आ नहीं तो ओहि दवाई सब के भंडारण कक्ष में दवाई सब 23 किस्म के अपन है आयल परिपथ भर खर भेल या 2-3 दिन छै ओ दवाई उपलब्ध है। हाँ हाँ उपलब्ध अपन दा दिन है उपलब्ध एहि ल मात्र है कि शाखा सब में सेहो है सबको सब में है। जनकपुर बाजार क्षेत्र से बाहर मुजलिया में रहल मुख्य औषधालय में प्रमुख सहित कुल 8 कर्मचारी सब के दरबंदी है, मुदा हम सब उत्तर पहुँचला पर कोनो कर्मचारी नहीं तो कुर्सी पर आ नहीं काम पर प्रतिबद्ध देख में आयल। कार्यालय के कुर्सी सब समेत अधिकांश खाली देख में अबी छल आ इलाज कराब के लिए उत्तर पहुँचल बीमार के एकोटा संख्या समेत नहीं देख में आयल। बीमारे सब नहीं भेला के बाद चिकित्सक के की काम प्रश्न इहो भ सकैए। एम्हर जनकपुर बाहर के ग्रामीण शाखा सब में दैनिक 5-7 बीमार सब इलाज के लेल आबि रहल ओत इलाज क रहल कविराज लोकन के कहब अछि। जम्मा प्रत्येक दिन 7-10 रेस्ट में पेशेंट दै छै। ई सब फॉलो अप करा अब एक एक बार जाकर चल जाय त नै नै अब जे फॉलो अप नै भ अब से रिकवर होय छै आयुर्वेदिक दवाई से अब से पेशेंट कते कर्मचारी छै। कर्मचारी जम्मा 4 दरबंदी है एमे 2 हमसब 3 खाई छै 2 एक वरिष्ठ कविराज निधि छै एक वरिष्ठ वैद्य एक कास खाई वाला है एक करार। जिला स्थित 9 औषधालय सब मध्य ग्रामीण यदुकाहा स्थित आयुर्वेद औषधालय में बीमारी सब के चाप सबसे बेसी रहत मुदावत दवाई अब पुग रहल आयुर्वेद औषधालय यदुकाहा के प्रमुख चिकित्सक कविराज निरीक्षक राम छविला यादव के कहब छलन। ओ नेपाल सरकार बीमारी के चाप अनुसार दवाई देव पड़बाक में ओना नहीं कह संपूर्ण शाखा में एक ही परिमाण में दवाई पठाब रहला के कारण अपना सबके समस्या भ रहल उपराग सुनबे छथिन। हम सब कर्मचारी 2 मात्र प्राप्ति छी ग्रामीण के चाप बहुत रहै छै दवाई बहुत मिल जा रहल है अपने के जदुका हमसे जिला में सबसे ज्यादा अपने के बिरामी संख्या वार्षिक 7,000 बिरामी छै लेकिन अपने के नेपाल सरकार के नीति की सब जगह एक ही रंग के दवाई दै छै कि अंचलों से अहाँ के सब औषधालय में एक रंग के दवाई पठाबै छै लेकिन हम अपने के 8-9 संस्था छै पूरे जिला भर में लेकिन दवाई बराबर जा रहा है हमरा सबके दवाई के एकदम कमी छै है ना प्राविधिक एठाम और चाहे हमसब अहाँ के नियमित योगा सेवा रखने छी एठाम जे अपने के हॉल अभी अधूरा छै ओकर निर्माण क्रम में है यहाँ के विगत आर्थिक वर्ष में भाड़ा अभी टेंडर लगल लेकिन ठेकेदार काम नहीं कैलक जल्द फीस भर
अब त स्थानीय निकायको जिम्मा चाहिँ स्थानीय निकाय हाम्रो सबले मेयर साहब कलेज एकदम एकदम व्यवस्थित गर्दैन र हाम्रा सबै आय स्रोतो चलाउँछ दुई चार पाँचको सटर हुन्छ बनबेली चाहिँ जहाँको लगभग महिनावारी कम्तीमा 10,000 रुपियाँको उसी चलाउँछ अरू थप उहाँको सेवा छ एकदमसँग हामीसँग डेलिभरी सोचो राख्ने छौँ यहाँको जितका पात्र सबको सेकैया ओहिले उहाँको जनकपुरन चलाइरहेको रौजाले चाहिँ हाम्रा सबै एउटा बक्स मसिन हुन्छ उ उपलब्ध कहाँ दल छ ओहिको व्यवस्थापनको लिएर अहाँको स्थानीय निकायमा 10,000 रुपियाँ आयो आयुर्वेद विभागको तरफसँग हमसब लेकिन 10,000 से तो पूरे नहीं बाढ़ से जाते स्थानीय निकाय से मांग कर ली एक नीक से और संचालन कल जाए और स्थानीय निकाय में हमसब मात्र ये जदूप है वार्ड नंबर 3 है यही मन सेवा ना देखा कि 9 वार्ड में आयुर्वेद सेवा विस्तार कल जाए कहकर एक प्रोग्राम दिल कि कम से कम 15 दिन में जाके प्रत्येक वार्ड में आयुर्वेद सेवा दी और प्रत्येक वार्ड में स्वस्थवित योगा कार्यक्रम यदुकाहा में किछ वर्ष आगू सरकारी लगानिया में आयुर्वेद के उद्यान समेत निर्माण कल गेल छल मुदा तेकरा बाद न सरकार के कोनो चाँख अछि आ नहि संबंधित निकाय के जड़ी बूटी उत्पादन करे के लेल निर्माण कयल गेल उ उद्यान ओहिना असमंजस अवस्था में देखे में अबैत अछि त ओहि में लगाओल गेल जड़ी बूटी सब समेत भगवान भरोसे अछि संरक्षण आ उचित देखभाल के अभाव में जड़ी बूटी के गाछ वृक्ष सब ओहिना सुकैत जा रहल अछि एम्हर ग्रामीण भेग के वृद्ध वृद्धा सब के एखनो समेत आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति आ दवाई पर ओतबा भरोसा अछि गाँव के कतेको लोग त जटिल से जटिल समस्या में समेत एखनो आयुर्वेद दवाई प्रयोग कर रहल छथि आ भरोसा में जीवन बिता रहल छथि सेवा प्रभावकारी हैत त एखन समेत आयुर्वेद के संभावना ओतबे अछि सरकारी निकाय बीच आवश्यक समन्वय के परिवर्तित संदर्भ में प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकार भीतर पड़े वाला जड़ी बूटी क्षेत्र के विकास आ विस्तार कर देरी नहीं करबाक चाहिए आ आयुर्वेद दवाई के उत्पादन में गुणस्तर सुधार कर देश में GMP विधि लागू कर पड़त ऐसा मात्रे अ क्षेत्र के चुनौती सब संबोधन होब सकत अपन टेलीविजन के लिए कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह जनकपुर धाम नेपालक एकमात्र रेल सेवा बंद भेला 3 वर्ष बीत चुकल अछि जयनगर बर्दिवास रेलवे के बॉडी लाइन अर्थात ब्रॉडगेज बनाबे के लक्ष्य सहित 3 वर्ष सँ निर्माण कार्य भ रहल अछि जयनगर जनकपुर बिजलपुरा बर्दिवास के 69 किलोमीटर लंबाई के मार्ग में स्टेशन हल्ट आ जंक्शन निर्माणाधीन अछि नेपाल सरकार तथा भारत सरकार के बीच में भेल समझौता अनुसार 3 वर्ष में रेलवे निर्माण करे के लक्ष्य राखल गेल छल जाहि अनुसार सन 2017 धरि रेल संचालन में आबि जाय चाहि छल मुदा एखन सेहो निर्माण कार्य जारी अछि नेपाल रेलवे निर्माणक काम सम्पन्न होबा में एखनो किछु महीना लागा के देखल गेल छैक जनकपुर जयनगर रेलवे जल्दीए संचालन नहि भेला सँ सर्वसाधारण दुख भोग पर बाध्य अछि रेल निर्माण में विलम्ब भ रहल उपराग सब सेहो बढ़ लागल अछि जाहि गति में निर्माण होबक चाही ओहि गति में नहि भ रहल सर्वसाधारण के उपराग अछि जल्दबाजी होइ देखै छी लेफ्टार कर रहल है अब कते दिन में ई के सुधार होतै से आप की करते नहीं करते कि ठोक ये हमरा सब के से आप देखिए की करी लसिया के लचकै नहीं अरे से काम कर रहे कहते करोना के काम सरफर हुई तब ना कहाँ सरफर भर रहा है अरे सर से कई दो महीना हो 10 महीना बिता दिल के हैं हम उस आशा लगने से हाथ से हो रही है होती नहीं होती कि हमारा भैया दो चार वर्ष झील लेते कहाँ चल सर काम ही नहीं कर रहा थी यहाँ सब जल्दी जल्दी फास्ट करबे छी पंचमी में 3 महीना 4 महीना है तो 4 महीना में आके रेलवे चालू हो सकत जल्दी जल्दी करबे तो हो 4 महीना में तो नहीं हो अहाँ सब कहे छी पटरिये गिरा के रखने छी पानी रोड पर नहीं छिटाब रहल छी रेलवे के कर्मचारी सब एम्हर निर्माण पक्ष ब्रॉडगेज निर्माण कार्य तीव्र गति में भ रहल दावी कर रहल अछि जयनगर से कपिलेश्वर कपिलेश्वर से भंगा आ भंगा से बर्दिवास के 3 खंड में काज भ रहल छै जाहि में से हाल जयनगर से भंगा धरि अर्थात 2 खंड में मात्र काज भ रहल छै भंगा से बर्दिवास धरि के जमीन अधिग्रहण के प्रक्रिया जारी रहल अछि जयनगर से भंगा धर के रेलवे लाइन में माटि भर के ग्रेवल कर के पत्थर उठाव के काज भ रहल छै संगे पूर्वी क्षेत्र में पटरी उठाव के काज सब सेहो भ रहल अछि जयनगर से लक भंगा तक में
माटो माटी भरे के एक बाद में ब्लैंकेटिंग करे के काज भ रहा है, पुल कलवट बनाबे के निर्माण काम भ रहा है। एक बाद में अहाँ की कहे जय जयनगर से लगे कुर्था तक अ बीच में स्लीपर बिछावे के स्लीपर ध्वनि भ रहा है, ब्लास्ट ध्वनि भ रहा है, रेल ध्वनि भ रहा है, रेल स्लीपर ब्लास्ट बिछावे के काज सेहो खजरी से शुरू भ। विगत में काज सुस्त भेला के बाद हो एखन तीव्र गति में काज भ रहल साइट इंजीनियर वीरेंद्र ओझा के दावी छैन। यहाँ के ये जो रास्ता के अभाव छै ओकरा मटेरियल ध्वनि करके बाहर से लाबे पड़लै, लेकिन जनकपुर से पूरब लऽ जाए के लेल एकटा हुलाकी मार्ग छै, तो ओहो अहाँ के की छै जे लगभग लगभग ओहो में तो वर्षा के चलते नहीं ट्रक सामान लेके जाय लायक नहीं छलिए, खास निर्माण काम में लेट होय के कारण से छै। की छै जे देखियौ विलम्ब तो एक ढंग से नहीं है, कहियो कारण की छै जे कहियो जब मधेश बंद तो कहियो कुछ, यही सब के बहुत प्रभाव पड़े छै। सबसे बड़का की बात छै जे हमरा अहाँ के रास्ता के जो कठिनाई छै ओहू चलते जेना अभी तीन चार पाँच महीना में कोनो सामाने नहीं ढुवानि भेलै तऽ ऑटोमेटिक लेट होतै, ओना काज कहबी तऽ काज बंद कहियो नहि छै, स्लो में भ रहल छै, लेकिन काज भ रहल छै। अभी तो एकदम फास्टे काज एकदम तीव्र गति में भ रहल छै, जल्दी से जल्दी एकरा पछिला समय निर्माण पक्ष जयनगर से बर्दीवास धरि के निर्माणक सब काज सन 2018 के अक्टूबर धरि पूरा भ जाय के बताव लागल अछि। तो संचालन में आयब तो हमसब नहीं कह सकै छी, लेकिन मोटा मोटी अहाँ के ओहि पक्ष आयल प्रतिबद्धता अनुसार अक्टूबर तक में सिविल वर्क जे छै से एकर सबके कंस्ट्रक्शन वर्क साइट के जे छै से पूरा भ कऽ अथी होय के फागुन धरि निर्माण पक्ष अक्टूबर धरि काज सम्पन्न करके दावा कर रहल है, मुदा दावी कयल गेल अनुसार अक्टूबर धरि में सेहो काज सम्पन्न होब में विश्वास करे के कोनो आधार नहीं छै, किया तो भंगा से बर्दीवास धरि जमीन अधिग्रहण के काज सेहो पूरा होब नहीं सकल है। अहाँ के शुरू में एक तीन चरण में निर्माण काज शुरू भेल छै, एक खंड भ गेल जयनगर से ल की कहै छै नेपाल के इनरवा से लऽ कऽ पूर्व कपिलेश्वर तक, कपिलेश्वर आ दोसर चरण छै कपिलेश्वर से लऽ कऽ मोहतरी जिला के भंगहा तक, ई दू फेज भेल आ भंगहा से बर्दीवास तीन फेज छै। तऽ मोटा मोटी अहाँ के जयनगर से लऽ कऽ भंगहा तक निर्माण काज संचालन में छै, आ भंगहा से लऽ कऽ बर्दीवास तक के जगह अधिग्रहण के प्रक्रिया। बर्दीवास क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण के काज बाकी रहला सा तत्काल के जयनगर से जनकपुर धरि रेल सुचारू करे के सरकारक तैयारी आई छे, आई के लेल तत्कालीन संसद के विकास समिति कमिटी में जयनगर से जनकपुर धरि बीतल अखाड़ी धरि में रेल चलाबे लेल सरकार के निर्देश ने देने छल। अखाड़ महीना बीतला के 6 महीना भ चुकल, मुदा जयनगर से जनकपुर धरि के रेल नहीं चल सकल अछि, एहि मार्ग में पटरी उठाबे के काज तीव्र गति में भ रहल अछि। जनकपुर धरि यह मार्च महीना धरि पटरी उठाबे के काज सम्पन्न हेबाक निर्माण पक्ष के दावी अछि। बिल्डिंग वर्क लगभग 90% पूरा है, फिजल पूरा तक बेड के वर्क 90% पूरा है, कम्प्लीट है, पुल पुलिया के काम लगभग कम्प्लीट है, गदर ओहिपर से लगते गदर गिर गेलै, रेलिंग के काज अहाँके चालू है मैनाथपुर से एनी तक 29 नंबर ब्रिज तक अहाँके काज चालू है, तो मास तक देखियौ अहाँके जनकपुर तक चलि जायत ट्रेन। रेलवे के पूरा निर्माणक ठेका भारत सरकारक इरकोन कंपनी लेलक अछि, ई कंपनी मार्फत भारत के एमएस ओम कंस्ट्रक्शन कंपनी, नेपालक रमन कंस्ट्रक्शन कंपनी सहितक अन्य कंपनी ठेका लऽ कऽ काज कऽ रहल अछि। निर्माणाधीन रेल मार्ग अंतर्गत इनरवा, खजुरी, बैदेही, पिपराही, सिंघियाही आ भंगहा में स्टेशन रहत, तहिना मैनाथपुर, देवरी परवाहा, जनकपुर आ लोहारपट्टी में हल्ट बनाओल जायत। रेल के जंक्शन बर्दीवास में रहत तो जनकपुर में हल्ट मात्र निर्माण हैत, तहिना कुर्था में मुख्य स्टेशन निर्माण कयल जायत। भारतीय रेल संजाल के नेपाल धरि विस्तार करे के विषय में नेपाल भारत बीच सन 2010 में भेल द्विपक्षीय समझौता अनुरूप करीब 10 अरब रुपया के लागत में ब्रॉडगेज निर्माण भ रहल है। नेपालक एकमात्र रेलवे के नाम से परिचित आ धनुषा जिला के मेरुदंड के रूप में रहल रेल सेवा सुचारू होब में किछु महीना आरो प्रतीक्षा करे पड़त। अपन टेलीविजन के लिए मनोज राउत के संग फुलगेन मुखिया की रिपोर्ट। प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद केसी के जन्म 2014 साल में रामेछाप के दुर्गम गांव माकादुम सिमले में भेल छल। ग्रामीण क्षेत्र में केसी परिवार संपन्न परिवार में अबैत छल। पढ़ाई में अव्वल केसी निम्न माध्यमिक शिक्षा दोलखा से आईएसएलसी 2029 साल में काठमांडू से केने छथि।
वही के बाद एच ए शिक्षा मंत्रालय छात्रवृत्ति में बांग्लादेश के ढाका से MBBS केने छथि। सन 1985 में MBBS संपन्न कर काठमांडू घुरला के बाद शिक्षण अस्पताल हाट जोड़नी विभाग में हाउस अधिकृत के नौकरी पौलाइन। एक वर्ष के बाद लोकसेवा में नाम निकाल कर टेकू अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के रूप में काज शुरू कलाइन। सन 1989 में अध्ययन छुट्टी मिलाकर वो MD पढ़ा पुनः ढाका गेल छे। 1993 में अध्ययन कह के नेपाल घुरल। अध्ययन पूरा कह के अला के बाद वो वीर अस्पताल में काज कर चाहत, मुदा पैघ अस्पताल में अवसर नहीं पाव भेला के बाद वो सरकारी नौकरी से राजीनामा दे दिलन। एम्हर शिक्षण अस्पताल में हाड़ जोड़नी संबंधी चिकित्सक के अभाव छल। ओ काज करे के इच्छा रखला के बाद नियुक्ति पाव लेलन। अहिक संगे शुरू भेल हुनक शिक्षण अस्पताल के यात्रा। प्राध्यापन आ शल्य चिकित्सक दुनू कामों एक संग शुरू कलन। सन 1993 दिस शुरू के 8 महीना ओ निःशुल्क काज कलन। 1994 से ओ शिक्षण अस्पताल में नौकरी कर लगल। या बीच में ओ बीच के एक वर्ष बाहेक निजी प्रैक्टिस नहीं केने छथि। ओहि के बाद फुर्सत भेटला के बाद ओ दुर्गम स्थान सब में जाय लगल। अविवाहित केसी अस्पताल के सरकारी क्वार्टर में रहे छथि। ई केसी के बाध्यता मात्र नहीं, ओ अपने चुनने बाटे छे। ओ कहियो कमाए के बाट पर नहीं गेलथि। नौकरी जीवन के एतेक वर्ष धरि ओ घर में पैसा सेहो नहीं देने छथि। बैंक में किछ पैसा जमा भेल कि ओ कोनो दुर्गम गाम में जाकर अपने खर्च में किन्ने दवाई लक उपचार करे छलथि। डॉक्टर केसी उपचारक लेल नेपाल के बहुतो दुर्गम बस्ती आ गांव में पहुंचल छथि। शल्यक्रिया करे वाला अवस्था के रोगी के काठमांडू बजा कर शल्यक्रिया करा दे छथि। ओहि के लेल जेबी से पैसा से अस्पताल के निःशुल्क सैया मिला देवके केसी अपने लायक पड़े छथि। उपचारक क्रम में ओ नेपालक सब जिला पहुंचल छथि। ओतबे मात्र नहीं भ उपचार कर विदेश सेहो पहुंचल छथि। सन 2001 में भारतक गुजरात में भूकंप से पैघ क्षति पहुंचला के बाद ओ 3 हफ्ता ओहिठाम बितौने छलथि। ओहि के बाद ओ सन 2005 में पाकिस्तान के कश्मीर क्षेत्र के भूकंपक घायल सब के उपचार में 2 हफ्ता रहलनि। सन 2008 में बर्मा में बिहार अयला के बाद ओ ओहिठाम पहुंच गेलथि। महामारी आ गरीबी से भरल बस्ती में उपचार आ शिक्षा बटत चल वाला ई अभियंता पछिला समय में विकृति विरुद्धक लड़ाई में पैघ सफलता पौने छथि। किछ वर्ष से शिक्षण संस्थान के पदाधिकारी में दल सब भागवंडा कह कर पदाधिकारी पठाव लागल, जाय के कारण पदाधिकारी सब संस्थान से नियुक्ति देव वाला दल प्रति जिम्मेवार बन लागल। एहन विकृति बढ़ला के बाद वो राजनीतिक भागवंडा रोक पड़वाक वरीयता क्षमता आ दृष्टिकोणक आधार में पदाधिकारी नियुक्ति होब पड़वाक अभियान शुरू कलन। आय के लेल केसी आमरण अनशन के बात चुनलन। चिकित्सा शिक्षा में देखल गेल समस्या अंत के मांग करैत डॉक्टर केसी पहल बेर 2069 साल अखाड़ 21 गते से 24 गते धरि 4 दिन अनशन बैसल छलथि। ओहि के बाद ओ बेर बेर आमरण अनशन में बैस रहल छथि। मापदंड बिना के मेडिकल कॉलेज के संबंधन रोक के चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन कर के सहितक विभिन्न मांग राखि कर ओ आमरण अनशन करैत आयल छथि। हुनक आंदोलन से नेपालक चिकित्सा शिक्षा में किछ महत्वपूर्ण परिवर्तन सेहो भ चुकल है, मुदा ओ उठाने में से किछ मांग पूरा होब में एखनो बाकी है। पछिला समय ओ सर्वोच्च अदालत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान से बर्खास्त भेल दिन डॉक्टर शशि शर्मा की पुनर्बहाली कर आदेश देलाक बाद डॉक्टर केसी 14 बेर पुस 24 गते से अनशन में बैसल छलथि। ओ सर्वोच्च प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुली के राजीनामा सहितक मांग राखि अनशन बैसला के बाद अदालतक मानहानि केने आरोप में अनशन बैसले राति पकड़ाव कयल गेल छल। अपन टीवी ब्यूरो जनकपुर धाम। बहुत कम समय में पत्रकारिता जगत में अपन छाप छोड़ने संघर्षशील पत्रकार स्वर्गीय उमा सिंहक जन्म पिता रंजीत सिंह आ माता सुशीला देवी के कोख से 2039 साल में सुरहा के तत्कालीन गावी से महेशपुर वार्ड नंबर 4 पिपरा में भेल छल। अपन आवाज बुलंद करवाक लेल पत्रकारिता जगत में प्रवेश केने उमाक जीवन कथा हृदय विदारक रहल अछि। माओवादी जनयुद्धक समय में 2062 साल में उमाक पिता रंजीत सिंह आ भैया संजय सिंह के माओवादी अपहरण केने छल। सिरहे के जंगल में कपड़ा आ जूता भेटला के बाद हुनका सबके हत्या भ चुकल ठहर परिवार केने छल।
ओय के बाद अपन पिता आ भाई के हत्या के बदला पत्रकारिता मार्फत लेब के हुनक अभिव्यक्ति बेर बेर सार्वजनिक भेल छल। ताहि कारण पिता आ भैया के हत्याक बाद शिक्षिका के नौकरी छोड़ कर ओ जनकपुर में पत्रकारिता में सक्रिय भ गेली। उमा एकटा प्रण लेलनि जे एहि देश आ समाज में रहल एहन प्रकारक अत्याचार विरुद्ध कलम के माध्यम से आवाज उठायब आ आवाज विहीन सभक आवाज बनब। ओहि समय में जनकपुर से विभिन्न एफएम सभक प्रसारण सेहो शुरू भ गेल छल। ई बात सुनला के बाद हुनकर हृदय में रहल इच्छा जनकपुर एबाक लेल आकुल व्याकुल भेल। ओहि क्रम में जनकपुर में रेडियो टुडे एफएम के माध्यम से अपन प्रण पूरा करबाक लेल समाचार प्रसारण से विधिवत पत्रकारिता के शुभारंभ केली। अपन गुण आ प्रतिभा के माध्यम से जनकपुरक चर्चित पत्रकार बन गेल छली। हृदय विदारक कथा। पत्रकार स्वर्गीय उमा सिंह के पूज 27 गते नव स्मृति दिवस मनाओल गेल। ओ अइ संसार से विदा भेला 9 वर्ष 20 चुकल अछि, मुदा एखनो सब गोटे के स्मरण हैत बीतल 2065 सालक पूज 27 गते। राजनीतिक पृष्ठभूमि के बात करी तो तत्कालीन विद्रोही माओवादी 12 वर्षक जनयुद्ध समाप्त कर शांति वार्ता में आ चुकल छल, जाय कारण जनकपुर सहित देश भर में ओहन कोनो त्रास सेहो नै छल। उमा के पिता भैया बेपत्ता भेला सेहो 3 वर्ष बीत चुकल छल। उमा के पिता भैया के क्षति के घाव धीरे धीरे भरत जा रहल छल, मुदा ओतबे में फिर से सिंहक परिवार में एकटा भारी वज्रपात पड़ गेल। वीरांगना निडर छविक महिला पत्रकार उमा सिंहक हत्या कर देल गेल। एखनो समय याद अछि जे रेडियो फ्री में कार्यरत बटुक नाथ झा रात करीब 7:30 बजे दिस करुणा से प्रयोग भेल एक एक वाक्य सब, हमर उमा दीदी जीवन आ मृत्यु से लड़ रहल छथि, हुनका वी निगेटिव खूनक आवश्यकता अछि, प्लीज यदि अपने समय से किनको वी निगेटिव खून अछि तो हमर दीदी के बचा लियो, दिमाग सन रह गेल हुनक एहि प्रकारक सब सब सुनकर। जनकपुर में रहल अन्य मीडिया सब से सेहो क्रियाशील पत्रकार उमा सिंह पर भेल सामूहिक आक्रमण उमा सिंह जीवन आ मृत्यु संग लड़ रहल शब्द सब सुनाई दे रहल छल। सब गोटे आम जनता संग करुणामय शब्द में हुनक जीवन रक्षार्थ रक्तदान कर आग्रह करे छल। शरीर भर काटल आ सुनितमय भेल उमाक रक्षार्थ उद्धत सब संग एकमात्र प्रश्न छल जे अंततः उमा के दोष की। सामूहिक आक्रमण से छत बिछत भेल उमा के शुरू में जनकपुरक केयर मेडिकल में भर्ना कयल गेल छल, मुदा ओहिठाम उपचार संभव नहीं भेला बाद हुनका जनकपुरक पत्रकार सब काठमांडू लऽ जेबाक तैयारी केलक, मुदा सब प्रयास विफल भ गेल। उमा सिंह प्राण त्याग करैत संसार छोड़ कर चल गेली। असत्य संग लड़कर सत्य के जिताबे वाली उमाक कार्यशैली, मिलनसार प्रवृत्ति, सहयोगी भावना, उत्साहित बनाबे वाला व्यवहारक विषय में चर्चा परिचर्चा एखनो होइत रहैत अछि। कोना कऽ भेल उमाक हत्या? पत्रकार उमा के हत्या संपत्ति विवाद आ पारिवारिक झगड़ा के कारण भेल छल। उमाक पिता आ भैया के द्वंद काल में माओवादी कार्यकर्ता बेपत्ता बनौने छल, एखन धरि हुनका सब के खोज खबर नै छैक। पिता आ भैया नै रहला के बाद संपत्ति के वारिस उमा छली, मुदा जल्दीए उमा के विवाह होबय लागल छल। विवाह भेला बाद संपत्ति सब उमा लऽ जाय के देख कऽ हुनक भौजी ललिता देवी चिंतित भ गेल छली। ललिता देवी उमा के नाम में रहल 12 कट्ठा जमीन अपन नाम में कह देव उमाक माई सुशीला के बेर बेर धमकौने छली। ललिता अपन नजदीक के साथी तथा माओवादी कार्यकर्ता सब श्रवण यादव और स्वामी जी यादव कहा वाला उमेश यादव के सेहो धमकी देव लगौने छली। कोनो उपाय नहीं लगला के बाद ललिता सिंह उमा के हत्या करे के योजना बनौली। सिरहा घर रहल पत्रकार उमा सिंह गत 2065 साल पूछ 27 गते रवि दिन 7:15 बजे दिस जनकपुर वार्ड नंबर 14 रजौल स्थित डेरा में खाना बना रहल छली। गोविंद कार्तिक के उक्त घर में उमा रही कर पत्रकारिता कर रहल छली। लोड शेडिंग के कारण अन्हार में उमा अचानक सिचियेली, आस पास के सब गेट बंद कर भीतर बैसल छल। उमा के घर भीतर एक समूह प्रवेश केलक, उमाक गर्दन में दबिया प्रहार के बाद लछार पछार करैत बाहर बरंडा में लाबि कऽ शरीरक विभिन्न भाग में पुनः दबिया प्रहार के बाद ओ समूह फरार भ गेल। प्रत्यक्षदर्शी जानकारी करौने अनुसार 5 गोटे भीतर आ बाहर 10 गोटे जति मफलर सँ मुँह झपने हथियारा सब छल।
प्रहरी के अनुसार हत्या के प्रमुख योजनाकार उमाक भौजी ललिता देवी अछि। हत्यारा जेल में उमा सिंहक मृत्यु पश्चात हुनक हत्या किया भेल। हत्या में संलग्न व्यक्ति सब के खोजी कऽ दंडित कयल जाय कहि आवाज उठला बाद शुरू भेल प्रहरी के अनुसंधान। अनुसंधानक क्रम में उमा सिंहक हत्या पारिवारिक कारण से भेल अछि कहैत प्रहरी उमा सिंहक भौजी ललिता सिंह के नियंत्रण में लेलक आ संपत्ति विवाद के कारण उमा सिंहक हत्या हुनक भौजी करौने कहि सार्वजनिक केलक। ओय के बाद पत्रकार उमा सिंहक हत्या भेला 8 वर्षक बाद मुख्य हत्या के योजनाकार स्वामी जी के हवला उमेश यादव आ नेमलाल पासवान के पकड़ाव कऽ जिला अदालत धनुषा में ठाड़ करबौलक। उमा संग न्याय करैत जिला अदालत धनुषा हत्या के अभियुक्त सब के सर्वस्व सहित जन्म कैदक फैसला सुनौलक, जाहि में से उमा की भौजी ललिता सिंह उन्मुक्ति पाबि चुकल अछि आ स्वामी जी के हवला उमेश यादव सजा भोगि रहल अछि। पत्रकार उमा सिंह के सरकार पहल पत्रकार सहित घोषणा कऽ चुकल अछि। आत्मा के चीर शांति कामना करैत वीरांगना आ निडर शहीद उमा प्रति हार्दिक नमन। अपन टीवी के लेल प्रीति झा जनकपुर धाम।